चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए इंटीरियर ज्ञान की डिजाइनिंग दुनिया से। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे किसी भी कैबिनेट के डोर को लिफ्ट अप करने के लिए जो हम फिटिंग यूज करते हैं, जो कि डोर स्प्रिंग होता है, उसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, इस वीडियो में पूरा देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा हमारा किचन का बास कैबिनेट बॉक्स है। इसमें हम इस डोर में हम गैस स्प्रिंग को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट के लिए दोस्तों आप सबसे पहले हम कैबिनेट में मेजरमेंट करेंगे। कैबिनेट के ऊपर की साइड से आपको 10 इंच का डिस्टेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम डोर पर जाएंगे। डोर के हिंजेस साइड से दोस्तों सिंपली दोस्तों आपको 3.5 इंच पर मार्क कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों मार्क करने के बाद दोनों साइड में आप लोगों को मार्क कर लेना है इस तरीके से, जो कि हमारा 10 इंच कैबिनेट में है ऊपर की साइड से और डोर में है दोस्तों 3.5 इंच है। इसके बाद हम गैस स्प्रिंग का जो राउंड वाला फिटिंग होता है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कैबिनेट बॉक्स के दोस्तों आपको 0.5 इंच अंदर इसको फिट कर देना है इस तरीके से। दोनों साइड में आप बड़ी आसानी से इसको पंच करके, आप ड्रिल मशीन यूज करके आप इसको फिट कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर वाली फिटिंग को फिट करना होगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसको हम आसानी के साथ इस तरीके से फिट कर लेना है। ये ऊपर वाली फिटिंग फिट करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि आपको बढ़िया तरीके से इसको देखना पड़ेगा कि किधर फिट करना है। सिंपली दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो कि आपका बॉक्स होता है उसके अंदर की साइड से डोर में मिनिमम 3 फुट का डिस्टेंस करके आप मार्क कर सकते हैं। उसके बाद उसी मार्क को आप ऊपर की साइड में ले लेना है, जहाँ पर आपने 3.5 इंच का मार्क किया था दोनों साइड से। इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों उसके सेंटर में करके इस ये वाली जो है इसको फिटिंग को वहाँ पे आपको फिट कर लेना है। आप देख सकते हैं पहले मार्क कर लेना है दोनों साइड में। मार्क करने के बाद आप ड्रिल मशीन से या तो दोस्तों आप पंच करके इसको बड़ी आसानी के साथ फिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ड्रिल मशीन से होल कर लेना है। इसके बाद आपको इसको फिट कर लेना है। काफ़ी ये सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों ने 10 केजी का ये हाइड्रोलिक पंप यूज़ किया हुआ है। आप जिस तरीके से डोर रहे उसी तरीके से आप वज़न के अनुसार आप 10 या 5 या फिर 15 किलो का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल में दोस्तों किचन के डोर वगैरह के हम 10-10 किलो का यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका मेजरमेंट, यहाँ पे सेंटर पे 3.5 इंच है दोस्तों ऊपर की साइड से। और दोस्तों देख सकते हैं सिंपली दोस्तों इस तरीके से आपको देख इंस्टॉल कर लेना है। सेंटर में देखेंगे 3.5, उसके बाद कैबिनेट में दोस्तों देखना है तो 9.5 इंच पे है दोस्तों। इसके बाद आपको सिंपली गैस स्प्रिंग को फिट कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों इसको फिट हो जाएगा तो आपका बहुत आसानी के साथ ये गैस स्प्रिंग इंस्टॉल हो जाएगा और बहुत स्मूथली ये वर्क करेगा दोस्तों, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये दोस्तों जो हमने बताया है
ये 90 डिग्री पर ओपन होने के लिए है। आप सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा थोड़ा ऊपर या नीचे आप इसको फिट कर सकते हैं। अभी हम दोस्तों आपको इसको फिट कर लिया हूँ, तो हम इसको अभी ट्रायल करते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। आप देख दोस्तों देख सकते हैं, जो कि ये मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों, ये बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। आप दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने किचन में दोस्तों बड़ी आसानी के साथ गैस स्प्रिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है दोस्तों डोर को लिफ्ट करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।